नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज है 25 जुलाई और इस वीडियो में 25 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत को तेल आपूर्ति करने के मामले में सऊदी अरब को पछाड़ कर कौन सा देश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ईरान देश पहुंच गया है सऊदी अरब को पछाड़ कर। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक 2017 के अनुसार चेक बाउंस होने की स्थिति की मामला अदालत में जाने पर चेक जारी करने वाले को कितना प्रतिशत दंड का ब्याज देना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लगभग इसका 20% देना पड़ेगा, लगभग 20% तय किया गया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु किस सामाजिक संस्था के साथ समझौता किया है? किस सामाजिक संस्था के साथ समझौता किया है? तो संस्था का नाम है ल्यूपिन फाउंडेशन, ल्यूपिन फाउंडेशन नाम है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 200 गाय भेंट स्वरूप दी है, यानी कि उस देश को 200 गाय भेंट स्वरूप दी है? तो उस देश का नाम है रवांडा देश। इसके बाद उस चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के हाई कोर्ट में किस महिला को पहली बार चीफ जजिस्ट बनाया गया है? पहली बार महिला को चीफ जजिस्ट बनाया गया है। तो महिला का नाम है शायदा ताहिरा, शायदा ताहिरा महिला का नाम है जो कि चीफ जजिस्ट बनाई गई है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने से हाल ही में किस दल ने महाराष्ट्र को बंद करने की घोषणा की है? तो उस दल का नाम है मराठा मोर्चा। क्या है? मराठा मोर्चा ने घोषणा की है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, वित्त मंत्रालय ने RTI के तहत देश और विदेश में भारतीयों के पास मौजूद काले धन से जुड़ी कितनी रिपोर्ट्स को साझा करने से इनकार कर दिया है? कितनी रिपोर्ट को? दोस्तों, 3 रिपोर्ट को साझा करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इस राज्य का नाम है दोस्तों बिहार राज्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी है पटना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाल कमांगे के बीच 23 जुलाई 2018 को किंगाली में प्रतिनिधित्व मंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों, 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 18वें एशियाई खेलों हेतु भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? ब्रजभूषण शरण सिंह को। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी।